Yesterday, I have discussed with you some of the MCQs or one mark questions, and we have covered the topic that is Frederick's Oreo. After that, second is nation state. Third, French Revolution. After French Revolution, we have covered some of the questions from Joel Warren. And Joel Warren ke baad fir humne kiya tha liberalism. Liberalism ke three meanings: political, social, and economic. Now I will discuss Treaty of Vienna. Okay, Treaty of Vienna and some of the topic from Age of Revolution and Joseph Mazzini contribution. Today I will try to cover three topics and Grimm brothers also. Okay, first of all, Treaty of Vienna. The year of Treaty of Vienna was 1815. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि the motive of this treaty. क्या था इसका होस्टिंग करने का मेन मोटिव क्या था? बिकॉज इन 1815 नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड बाय मेन फोर कंट्रीज ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया एंड आफ्टर डिफीटिंग द नेपोलियन बोनापार्ट ऑल द फ्रेंच एरियाज विच वर एक्वायर्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट दे वांटेड टू डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है अलग अलग एरियाज को डिवाइड करना ताकि फिर से फ्रांस कभी यूनाइटेड लेवल के ऊपर इन फोर कंट्रीज के अगेंस्ट ग्रुप ना बना सके तो जो भी एरियाज नेपोलियन के अंडर थे उन एरियाज को डिवाइड कर दिया गया तो मेन इसका मोटिव क्या था टू ब्रिंग कंजर्वेटिव ऑर्डर बैक व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना टू ब्रिंग कंजर्वेटिव ऑर्डर बैक क्योंकि इन चारों कंट्रीज में उस टाइम पीरियड में मोनार्की सिस्टम था तो ये कंट्रीज के किंग्स नहीं चाहते थे कि उनकी नेबरिंग कंट्रीज में डेमोक्रेटिक आइडियाज आए ताकि इनकी कंट्री में लोग फ्रांस की तरह रेवोल्यूशन प्लान करें सो दे वांटेड टू ब्रिंग कंजर्वेटिव ऑर्डर बैक दैट्स व्हाई दे रीस्टोर विच डायनेस्टी बर्बन डायनेस्टी और इस मीटिंग को होस्ट करने का मेन क्रेडिट किसको जाता है ड्यूक मेटर्निक कौन थे ड्यूक मेटर्निक ऑस्ट्रियन चांसलर ठीक है उसके बाद किस तरह से कंट्री को डिवाइड किया अब आपको मेन याद रखना है कंट्री की अलग अलग जो है वो उनकी टेरिटरीज और उन टेरिटरीज को किस तरह से दूसरी कंट्रीज को दे दिया गया आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है जो विनर कंट्रीज थी और राइट हैंड साइड में लिखोगे जो कंट्रीज उनको दी तो इस तरह से आपको क्लियर कट पता लग जाएगा ताकि कल को आपको मैथ का कोई भी क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर सबसे पहले आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है विनर कंट्रीज के नेम किसी भी तरह से लिख लो मैं जैसे आपको एक तरफ बता रही हूँ विनर कंट्रीज और उन विन कंट्रीज को क्या क्या मिला क्या क्या प्रॉफिट हुआ और फ्रांस की कौन कौन सी टेरिटरीज उनको दे दी गई और उसके बाद किस तरह से उनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई तो मेन हमने सबसे पहले बताना है कि हाउ द एरिया ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर बर्बन डायनेस्टी एंड बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर करने के बाद आपको याद है लुई 16 वाज द किंग ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789 लेकिन अब आपने नेक्स्ट जो किंग लिखोगे वो लिखोगे लुईस 18 इट मींस हु वाज लुईस 18 ही वाज अ रिलेटिव ऑफ लुई 16 ठीक है बर्बन डायनेस्टी से ही थे तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दैट बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर ठीक है अब आपने कंट्रीज बतानी है आपको सब बच्चों को पता है विनर कंट्रीज कौन सी थी ब्रिटेन रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया जीत जाने के बाद हर कंट्री को कुछ ना कुछ मिलता है तो उनको क्या मिला फ्रांस के कुछ एरियाज मिले तो हमने फ्रांस के कुछ एरियाज बताने कौन कौन से एरियाज मिले आपको डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है और एरियाज भी पूछे जा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपने बताना है एक नई किंगडम बना दी गई नीदरलैंड नीदरलैंड लिखो नीदरलैंड ब्रैकेट में लिखो बेल्जियम उसको किसका कंट्रोल दे दिया बेल्जियम का नीदरलैंड नीदरलैंड काइंड ऑफ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन तो ब्रिटेन रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया ब्रिटेन जो था ब्रिटेन नीदरलैंड वॉज अ पार्ट ऑफ दैट तो नीदरलैंड वॉज गिवन बेल्जियम इन द नॉर्थ एक तरफ आप लिखो नीदरलैंड और दूसरी तरफ लिखो नीदरलैंड को कौन सी कंट्री में कौन सा एरिया मिल गया बेल्जियम इसका मतलब क्या है बेटा सिंपल इसका मतलब क्या है बेल्जियम वॉज नाउ टू बी कंट्रोल्ड बाय नीदरलैंड और आगे जाके आपको पता है एज ऑफ रेवोल्यूशन में क्या लाइन लिखनी है आपने बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीदरलैंड ऐसे तो इसमें ट्रीटी ऑफ वियना में आपने याद रखना है कि नीदरलैंड एक नई किंगडम बना दी गई और इस नई किंगडम को
फ्रांस की कौन सी डायरेक्शन में इंस्टॉल किया गया? नॉर्थ। एन से याद रखो नॉर्थ, नीदरलैंड। नीदरलैंड को कौन सा एरिया दे दिया गया? बेल्जियम। बेल्जियम पहले किसके अंडर था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नीदरलैंड जो है एक नई किंगडम बना दी गई और काइंड ऑफ ये इंग्लैंड के ही अंडर थी। तो इंग्लैंड को, लेकिन हमने इंग्लैंड नहीं लिखना, हमने बताना है एक नई किंगडम बना दी गई और इस किंगडम को क्या कंट्रोल दिया गया? बेल्जियम। मींस बेल्जियम वाज अ पार्ट एट दैट टाइम। ठीक है, सेकंड फिर आप बताओगे, सेकंड किंगडम आपने बतानी है पिडमोंट। नीदरलैंड के नीचे लिखोगे पिडमोंट, पी आई ई डी एम ओ एन टी, पिडमोंट, पी आई ई डी एम ओ एन टी, पिडमोंट। पिडमोंट को कौन सा एरिया मिला? जिनेवा, जी ई एन ओ ए, जिनेवा। पिडमोंट को कंट्रोल दिया गया जिनेवा। ये बोलते ऐसे हैं बेचारे, इसका प्रोनंसिएशन ऐसे ही होती है, जिनेवा। पिडमोंट वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ जिनेवा। ये किसके अंडर था? नेपोलियन बोनापार्ट। पिडमोंट वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ जिनेवा और इसको कहां पे इंस्टॉल किया? साउथ, नीदरलैंड नॉर्थ, देन जिनेवा जो था इसको किसका पार्ट बना दिया गया? पिडमोंट। ये जिनेवा कौन सी एरिया, कौन सी डायरेक्शन में था? साउथ में था। तो साउथ का कंट्रोल अल्टीमेटली किसको दे दिया? पिडमोंट को। अब आप खुद सोचो कि टिटियो वियना में विनर कंट्रीज ने क्या किया? सेंटर में डायनेस्टी बना दी, बर्बन डायनेस्टी, यानी कि फ्रांस के कुछ इंटरनल एरियाज को बर्बन डायनेस्टी कंट्रोल करेगी। लुइस 18 जो है वो एक पपेट किंग होंगे एंड दिस पपेट किंग वॉज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ताकि इंटरनल एरियाज में कभी भी उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग ना बने कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई डिक्टेटर फिर से इन कंट्रीज को ओवर रूल करे। ठीक है, सेकंड, थर्ड फिर आपने बताना है प्रशिया। प्रशिया, प्रशिया को कौन सा पार्ट दिया गया? वेस्टर्न एरियाज। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के नेम नहीं है, जस्ट फ्रांस की टेरिटरीज के कुछ वेस्टर्न एरियाज आपने लिखना है। प्रशिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न एरियाज। प्रशिया वॉज गिवन वेस्टर्न एरियाज या वेस्टर्न फ्रंट, कुछ वेस्टर्न एरियाज का कंट्रोल, ताकि वेस्ट में प्रशिया प्रॉपरली कंट्रोल करे कि वेस्ट में क्या हो रहा है, कि लुइस 18 कहीं उनको ही तो नहीं, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बॉर्डर एरियाज को इस तरह से कंट्रोल किया गया। हाँ जी, वो तो बात की बात है ना, जब कंट्री, जरूरी नहीं होता कि आज चाइना जो है, इंडिया अलग अलग है, लेकिन एक टाइम था जब चाइना और इंडिया में वॉर भी हुई, फिर कुछ टाइम के लिए चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हुए, हमारी कंट्री के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर चाइना में भी गए, वो भी यहाँ पे आए। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ये कभी बैलेंस होते हैं, कभी इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है, कभी हम ये नहीं कह सकते एक कंट्री जो है वो थ्रू आउट द टाइम जो है, अब देखा जाए पाकिस्तान के साथ रिलेशंस है, पहले क्रिकेट मैच भी होते थे, बाद में वॉर भी हुई है, उसके बाद हमारी कंट्री के मिनिस्टर्स वहां भी गए हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं, बाद में सिंगर्स को भी बैन कर दिए। तो ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, इनके बीच में रिलेशंस कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो थी ये भी एक विनर कंट्री थी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ नदरन इटली। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? नदरन इटली। ठीक है, नेक्स्ट इज रशिया। रशिया को क्या मिल गया? पोलैंड। पोलैंड जो था वो किसके अंडर था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो पोलैंड जो था वो अब किसके अंडर हो गया? रशिया। आपको याद है जब हमने रोल ऑफ कल्चर किया था, तो पोलैंड के जो लोग थे उनको कौन सी लैंग्वेज बोलने से मना किया था? पोलिश लैंग्वेज। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत से रिलीजियस, जो हम कह सकते हैं कि लोग जो चर्च में प्रेयर करते थे ना, अपनी पोलिश लैंग्वेज में प्रेयर करते थे, दे वर अटैक, क्योंकि उनके ऊपर रशियन लैंग्वेज इम्पोज करती थी। तो वो हमने कहाँ पे पढ़ा है बाद में? रोमांटिसिज्म। तो यहाँ पे याद रखो, रशिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ पोलैंड। और जब पोलैंड रशिया के अंडर आ गया, तो टोटली लैंग्वेजेस, जितने भी, जो भी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज एट दैट टाइम दीज पोलिश पीपल दे वर फुली एक्सप्लॉयटेड बाय द रशियन पीपल, जैसे हमारी कंट्री में हुआ था, वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड लास्ट हमें एक और पार्ट बताना है प्रशिया। प्रशिया को एक और पार्ट मिला सैक्सोनी, ये भी एरिया का नाम है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ फ्रांस, इसमें से एक पार्ट है सैक्सोनी, दैट वाज गिवन टू प्रशिया। तो मैंने आपको इसलिए करवाया है कि ये आपको क्वेश्चन मैच द कॉलम्स के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। बच्चे, ट्रीटी ऑफ वियना में आपने ये याद रखना है कि विनर कंट्रीज को फ्रांस की कौन कौन सी टेरिटरीज मिली, और जितनी भी टेरिटरीज को कंट्रोल किया गया ना,
इन टेरिटरीज में एक चीज कॉमन करते कि सेंसरशिप, सेंसरशिप लगा दी गई, कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस लेकर आए. नाउ दीज पीपल दे वर नॉट फ्री फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रीडम्स, क्योंकि अब नाउ दीज पीपल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरन, या हम टेरिटरीज भी कह सकते हैं या एरियाज भी कह सकते हैं. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज जोसेफ मेज़िनी. जोसेफ मेज़िनी से रिलेटेड जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको नंबर ऑफ वन मार्क क्वेश्चंस जो हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म. व्हाट हैपेंड सिट प्रॉपरली बेटा. इन द एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन हियर, यू विल कम हियर एंड गिव मी द आंसर. आर यू रेडी नाउ? यू कैन कम हियर. आर यू रेडी? सो लिसन प्रॉपरली एंड आफ्टर 5 मिनट्स यू विल कम हियर एंड यू विल गिव मी द आंसर. नेक्स्ट इज अबाउट जोसेफ मेज़िनी. सबसे पहले आपको बार बार ये पूछा जाता है हु वॉज जोसेफ मेज़िनी, तो कौन थे? इटालियन रेवोल्यूशनरी. ऐसे ही है जैसे यूरोप के लोगों को पूछा जाए हु वॉज शहीद भगत सिंह, तो वो क्या कहेंगे? इंडियन रेवोल्यूशनरी. ठीक है, इटालियन रेवोल्यूशनरी जोसेफ मेज़िनी. इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए था? इटली के लिए था. और ये इटालियन लैंग्वेजेस उस टाइम पीरियड में अलग अलग एरियाज में इटालियन लैंग्वेजेस बोली जाती थी, तो इसका इनका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी इटालियन लैंग्वेजेस अलग अलग एरियाज हैं उनको क्या किया जाए? कंबाइन किया जाए ताकि इटली को एक नेशन बनाया जाए, एक कंट्री बनाया जाए. बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल एंड ही ब्रॉट मैनी रेवोल्यूशन. उनको रेवोल्यूशन में जो है पार्टिसिपेट करने के कारण उनको एक्साइल कर दिया. एक्साइल का मतलब क्या होता है? कंट्री से डिपोर्ट कर देना, कंट्री से निकाल देना. और जब कंट्री के यानी कि वहां से निकाल दिया तो यूरोप के अलग अलग एरियाज में जाकर उन्होंने क्या किया? फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई. और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बनने के बाद भी उनके टाइम तक इटली जो था वो नेशन नहीं बना. उनकी थॉट्स इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि उनको ड्यूक मेटर्निक ने क्या कहा? डेंजरस एनिमी. ठीक है, और ये कुछ आपने इसमें थिंकिंग याद करनी है कि इटली की जो है मेज़िनी की थिंकिंग क्या थी और मेटर्निक की थिंकिंग क्या थी ऑर्गेनाइजेशंस के नेम. नंबर वन आपको इसमें याद रखना है उनका बर्थ. उनका बर्थ कहाँ पे हुआ? जिनेवा. बर्थ प्लेस ऑफ जोसेफ मेज़िनी, बर्थ प्लेस जिनेवा. ईयर आप याद रखोगे 1807. 1807 ही बॉर्न इन जिनेवा. 1807 देन मेंबर. एक सोसाइटी का नेम आपने याद रखना है, सीक्रेट सोसाइटी थी, दैट वाज इलीगल. और इस सोसाइटी का नेम क्या था? कार्बोनरी. कार्बोनरी एक सोसाइटी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इनके वो मेंबर थे. एंड इसके बाद उनकी एज कितनी थी? 24. जब उन्होंने रेवोल्यूशन प्लान किया एट द एज ऑफ 24. एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. एक पैराग्राफ लो और उसके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको याद रखो अच्छी तरह से. 24 जब उनकी एज थी, देन ही ब्रॉट रेवोल्यूशन, ही प्लान्ड रेवोल्यूशन एंड फॉर दैट ही वाज एक्साइल्ड. एक्साइल यानी कि उनको कंट्री से निकाल दिया गया. इन विच ईयर? 1831. ठीक है, उसके बाद रेवोल्यूशन प्लान कहाँ पे किया था? कौन सा एरिया? लिगुरिया. जैसे अगर पंजाब में कहें जलंधर, ऐसे ही जैसे पंजाब में जलंधर, तो आप ऐसे याद रखो जिनेवा में लिगुरिया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दो मेन आपने ऑर्गेनाइजेशन बतानी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाया और एरिया भी बताना है. सपोज आपको ऑर्गेनाइजेशन साथ में एरिया भी आ सकता है. तो नंबर वन आप बताओगे यंग इटली इन मार्सिले. अभी मार्सिले कहाँ पे है? फ्रांस. तो आप खुद सोचो कि जब उनको वहां से निकाल दिया तो वह कहाँ चले गए? फ्रांस. और वहां पर जाकर कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई. नंबर वन यंग इटली. यंग इटली बनाई उन्होंने मार्सिले में. एंड यंग यूरोप बर्न, BERNE, यंग यूरोप इन बर्न. ऑर्गेनाइजेशंस के नेम, उनके एरिया के नेम, सोसाइटी का नाम क्या था? कार्बोनरी. एज क्या थी उनकी? 24. रेवोल्यूशन कहाँ पे प्लान किया? लिगुरिया. कौन से ईयर में उनको एग्जाइल मिला? 1831. बर्थ कहाँ पे हुआ? जिनेवा. ईयर कौन सा? 1800. जब आप खुद ही पैराग्राफ को दो तीन बार खुद बोलोगे ना ऐसे आंसर्स, तो आपको 1831. एग्जाइल का मतलब क्या होता है?
अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि लॉर्ड रामा वॉज गिवन एक्साइल फ्रॉम अयोध्या फॉर 14 ईयर्स, मर्जी से तो नहीं गए थे, एक्साइल वो भी एक्साइल होता है, लेकिन वो होता है एक्साइल का मतलब होता है उनके फादर ने उनको ऑर्डर दिया तो उन्होंने वो फॉलो किया, है ना। तो इसमें क्या है, एक्साइल का मतलब क्या होता है कि एक्साइल का मतलब उन्होंने रेवोल्यूशन प्लान किया इसलिए उनको कंट्री से निकालते ताकि वो कंट्री में वापस ना आए। ऐसा ही आपने एक और वर्ड रशिया में पढ़ा था जब करेंसकी की गवर्नमेंट थी और उससे पहले किसको एक्साइल कर दिया था और बाद में वो कंट्री में वापस आ गया था, जिसने अप्रैल थीसिस दिया था, लेनिन, है ना। तो इसी तरह से आप याद रखो दैट ही वाज गिवन एक्साइल बिकॉज ही प्लान्ड रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, ठीक है। इसके बाद अब दो स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। नंबर वन, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि इटली जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और इटली जो है वर्ल्ड में पैचवर्क नहीं रह सकता। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी स्पीकिंग पीपल दे आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एशिया, दे ऑल शुड बी यूनाइटेड ताकि पूरे एरिया के एक ही लैंग्वेज क्या हो, हिंदी। ऐसे ही उनकी उनका ड्रीम था कि इटालियन स्पीकिंग नेशन जो है वो कंबाइन होने चाहिए और एक कंट्री होनी चाहिए। तो ही ड्रीम, उन्होंने वो ड्रीम किया बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल। उसके बाद उनकी इन्हीं थिंकिंग के लिए उनको डेंजरस एनिमी कहा, उन्होंने कहा ड्यूक मेटर, क्यों कहा, क्योंकि दोनों की थिंकिंग आपस में मिलती नहीं थी। ड्यूक मेटरनिक थे कंजर्वेटिव और ये थे रेवोल्यूशनरी। तो हूवर कंजर्वेटिव, हूवर रेवोल्यूशनरी। कंजर्वेटिव जो होते हैं वो मनार्की, चर्च और पुरानी थिंकिंग जो होती है स्लो चेंजेस में विश्वास रखते हैं। रेवोल्यूशनरी जो होते हैं सेम ऐसा ही जैसे हम कहें हमारी कंट्री में महात्मा गांधी और भगत सिंह की थिंकिंग में क्या फर्क था, तो वो थे रेवोल्यूशन प्लान किया और यहाँ पे हमारी कंट्री में महात्मा गांधी वो जो उन्होंने वायलेंस जो है उसको अपोज किया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन जो आपका क्वेश्चन है, एज ऑफ रेवोल्यूशन जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत से टॉपिक्स कवर करता है और इन टॉपिक्स पे आपको मेन याद रखना है एमसीक्यूज। आपके टिप्स में सबसे पहले रेवोल्यूशन होने चाहिए। एज ऑफ रेवोल्यूशन में सबसे पहले आपने याद रखना है जुलाई, जुलाई रिवोल्ट, जुलाई रिवोल्ट के लिए सबसे पहले याद रखो 1830। सेकंड आपने याद रखना है ब्रसेल, थर्ड रेवोल्यूशन है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक स्ट्रगल। फोर्थ आता है आपका हंगर एंड हार्डशिप। तो मैं 1845 पहले लिख रही हूँ, 1845 का जो रिवोल्ट है वो है सिलेशिया, और उसके बाद नेक्स्ट है 1848 जिसको कहा जाता है पेरिस रिवोल्ट। 1845 है सिलेशिया रिवोल्ट और 1848 है पेरिस रिवोल्ट, ठीक है। अब ये आपके रिपोर्ट्स जो हैं वो 2-3 पेजेस कवर करते हैं, लेकिन आपने इनको स्टोरी की तरह लर्न करना है। पहले इनके ईयर याद रखो, जुलाई 1830 ब्रसेल रिवोल्ट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1845 का सिलेशिया रिवोल्ट और 1848 का पेरिस रिवोल्ट। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि ये फ्रेंच हिस्ट्री है, ये सारी फ्रांस की स्टोरी है। तो इसके लिए आपको फ्रांस की स्टोरी से रिलेटेड पहले आपको सीक्वेंस याद रखना है कि जब 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी तो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी जो है वो इम्पोज कर दी थी। तो हम स्टार्ट करेंगे 1850 में कौन से किंग बने, लुइस 18, ठीक है। लुइस 18 जो थे उन्होंने 1830 तक फ्रांस को कंट्रोल किया। तो इन 15 इयर्स में फ्रांस के जो लोग थे, पीपल ऑफ फ्रांस, दे वर फेड अप फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मोनार्की सिस्टम, क्योंकि वो अपनी कंट्री में 1789 के चेंजेस देख चुके थे, कैसे वो रेवोल्यूशन, कैसे बेस्टाइल उन्होंने डिमोलिश करके अपनी कंट्री में कितने एफर्ट्स कर नए आइडियाज लेकर आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, बट ऑल इन वेन बिकॉज इन 1815 अगेन कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज बैक।
ठीक है, बर्बन डायनेस्टी फिर से लगा दी थी जो हमने अभी ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़ा था। इसके बाद 1830, आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि 1830 जुलाई 1830 में लोगों ने रेवोल्यूशन लाकर लुई 18 को क्या कर दिया, डिमोलिश नहीं, डिमोलिश तो पहले उसको कर चुके, ठीक है, लुई ओवरथ्रू, ओवरथ्रू का मतलब होता है चेंज कर दिया, पैलेस को डिमोलिश किया, किंग को ओवरथ्रू किया, चेंज किया, ठीक है, 1830, ठीक है, 1830 में लुईस 18 को चेंज किया। अब आप याद रखो कि 1830 में फ्रांस, फ्रांस के जो नया जो फ्रांस का रूलर था वो कौन था, लुईस फिलिप, ठीक है, यहां पे याद रखो बच्चे, जुलाई 1830 में लुईस 18 वाज ओवरथ्रो एंड हु बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस, लुईस फिलिप। अब ये लुईस फिलिप जो थे वो अभी भी मोनार्क थे, लेकिन ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते थे, यानी कि बर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया और लुईस फिलिप अभी भी कंट्री में क्या थी, मोनार्की, अभी भी कंट्री में काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी 1830, ठीक है। ये रिवोल्ट इसके साथ कनेक्टेड कैसे है 1848 के साथ, जब जुलाई 1830 में लुईस फिलिप को इंस्टॉल कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं कि नया रूलर बनाया गया, तो 1830 से लेकर 1848 इतना लंबा टाइम पीरियड फ्रांस के लोगों ने इनके अंडर जो है वो निकाला, बट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। मैंने आपको हमेशा बताया कि लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे डेमोक्रेटिक है, चाहे मोनार्की है, चाहे डिक्टेटरशिप। At that time in 1848 against revolt, क्योंकि फ्रांस के लोगों को रिवोल्ट करने का बहुत शौक था, against new revolt occur in 1848 and इस revolt से डरकर लुईस फिलिप ही fled from the country, country छोड़कर चले गए, और उसके बाद country जो है वो क्या बनी, finally democratic भी कह सकते हैं, republic भी कह सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 1848 पेरिस रिवोल्ट, लुईस फिलिप जो थे उनको फिर से चेंज कर दिया, कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए, और इन इलेक्शंस में कंट्री के नए रिपब्लिक बने, और इस तरह से फ्रांस जो है वो क्या बन गया, रिपब्लिक। अब याद रखो, जैसे आप बुक ओपन करते हो फ्रेडरिक सोरियो की बुक में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास कौन सी कंट्री है, फ्रांस, कौन सा ईयर 1848, इसका मतलब क्या है कि 1848 में उनकी कंट्री में मोनार्की सिस्टम के स्केलेटन्स को आगे खत्म कर दिया, एंड नाउ बिल्कुल साथ में है, इसका मतलब सेम ईयर 1848 में फ्रांस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास है, लुईस फिलिप को हटाकर उस कंट्री में इलेक्शंस करवाएगी, इसका मतलब क्या है कि 1848 के बाद कंट्री में इलेक्टोरल सिस्टम या इलेक्शन सिस्टम या डेमोक्रेटिक आइडियाज जो है वो फिर से स्टार्ट हो गए, क्लियर। फर्स्ट, अच्छा फिर से नंबर वन, 1815 ट्रीटी ऑफ वियना, 1815 विच डायनेस्टी वाज इंपोज्ड, बर्बन डायनेस्टी, एंड न्यू किंग वाज लुईस 18, एंड ही वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ फोर कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। फ्रॉम 1815 टू 1830 लुईस 18 कंट्रोल द कंट्री, बट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांटेड टू चेंज द मोनार्की सिस्टम, एंड ड्यूरिंग 1830 अगेन रिवोल्ट, जुलाई रिवोल्ट जो है वो कहां पे हुआ था, पेरिस कह लो या फ्रांस कह लो, सेम ही, पेरिस फ्रांस में ही है ना, चाहे पेरिस लिख लो चाहे फ्रांस, बच्चे मत करो प्लीज, हां जी बेटा उसको छोड़ दो, मैं तभी एक्सप्लेन करूंगी। Yes, जुलाई 1830, इन द ईयर जुलाई 1830, अब इसके पीछे मैंने आपको पूरा डिटेल में रीजन करवाया था कि क्यों ऐसा हुआ था, वर्स्ट कंडीशन क्या थी, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे मैंने करवाया था, ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पीपल दे डिमांडेड फूड आइटम्स, बट किंग ऑफ द कंट्री, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वॉज नॉट एबल टू गिव देम प्रॉपर फूड, वेजेस वर वेरी लो एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स वर वेरी हाई, सो एट दैट टाइम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस वॉज वर्स्ट, और लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रीज क्लोज कर दी, लुईस फिलिप का जो पैलेस था उस पैलेस के आसपास आकर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया,
गैदरिंग्स करनी शुरू करती, काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे डर के लुइस फिलिप कंट्री छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको ये लगता था कि शायद इस बार भी बेस्टाइल की तरह लोग जो है वो पैलेस को डिमोलिश ना करें। और 1830 में उसके बाद कंट्री में रूलर को चेंज कर दिया गया, हु बिकेम द रूलर, लुइस फिलिप। 1830 इसको क्या कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ फ्रांस 1830।